हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर बाय हार्ट। आप ये जो बैटरी देख रहे हैं ये है ओकिनावा की प्रेस प्रो की बैटरी है। आप मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ओकिनावा की प्रेस प्रो की बैटरी है 72 वोल्ट एंड 30 एच की। अब ये देखिए कि ओकिनावा जो कंपनी है बैटरी सारी चाइना से ही असेंबल्ड मंगवाती है। बीच में ट्रॉनटेक ने उनका काम किया था, पर ये जो बैटरी हमने इसके अंदर से निकाली, फिर ये जो बैटरी ये हमने बना के इसमें फिट करी है 72 वोल्ट और 32 एच की, और ये चाइना से बन के आई है। ये देखिए आप, तो एक बात बताइए, अगर जैसे 1.5 साल हुआ है इस बैटरी को, अब प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, ओकिनावा ने हाथ खड़े कर दिए, तो अब इस बैटरी की सर्विस देगा कौन? पर क्या करें, कंपनी समझती नहीं है इस बात को और सर्विस नहीं मिल पाती, फिर कस्टमर परेशान होता, और कस्टमर परेशान होता तो बदनाम हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, कंपनी ढंग से काम नहीं करती, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बदनाम होता है। ये चाइनीज़ बैटरी है ये जो बन के आई है, फैब्रिकेटेड, बनाई बहुत अच्छी है, लेकिन जो सेल्स हैं वो इतना हाई चार्जिंग रेट को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई और ये बैटरी जो है इसके सेल्स वीक हो गए। तो एक सजेशन मेरा ओकिनावा में ये रहता है कि आप जब भी इसमें यूज़ करें तो 8 एम्पियर का मैक्सिमम चार्जर यूज़ करें, 10 एम्पियर का नहीं, या 7 एम्पियर का यूज़ कर लो। आप जितना हाई रेट रखोगे उतनी जल्दी आपकी बैटरी ख़राब होगी।